दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी जहां 14 फरवरी को 3 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं से झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। जहां एक तरफ केजरीवाल की सरकार लाभ का पद मामले में 20 विधायकों की सदस्यता रद्द होने की घटना से उभर नहीं पाई है, तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का फंदा कसता नजर आ रहा है। सीबीआई ने शनिवार की रात को सत्येंद्र जैन के विभाग से जुड़ी दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर ऋषिराज व काउंसिल के वकील प्रदीप शर्मा को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस मामले में अहम बात यह है कि रजिस्ट्रार के लॉकर से करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो सत्येंद्र जैन और उनकी पत्नी के नाम पर हैं। पहले से सीबीआई जांच का सामना कर रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन पर पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 2015-16 के दौरान लोक सेवक रहते हुए 4.63 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन पर 2010-12 के दौरान इंडोमेटल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 11.78 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।